हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हो जानते हैं आज सोने और चांदी की कीमतों के बारे में। जानेंगे आज सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट और कितनी तेजी देखी गई है, और इसी के साथ में जानेंगे भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव कहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। चलिए तो बात करें सोने और चांदी की कीमतों की, तो पिछले 3 दिन से गिरावट के बाद अब दोनों कीमती धातु में स्थिरता देखी जा रही है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो इस हफ्ते में चांदी के भाव में 11,000 रुपए तक की गिरावट देखी गई। हालांकि अब चांदी का भाव स्थिर है, यानी कि आज चांदी के भाव में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। चांदी की कीमत 66,960 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वहीं सोने की कीमतों की बात करें तो आपको बता दें कि सोने के भाव में इस हफ्ते 6,000 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि आज सोने के भाव में स्थिरता देखी जा रही है। सोने की कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,117 रुपए, 8 ग्राम पर 40,936 रुपए, 10 ग्राम पर 51,170 रुपए, 100 ग्राम पर 5,11,700 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें, यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,511 रुपए, 8 ग्राम पर 44,088 रुपए, 10 ग्राम पर 55,110 रुपए, 100 ग्राम पर 5,51,000 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। इसी के साथ में भारत के बड़े शहरों की बात करें तो यहां पर 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयंबटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आपको दी गई है। इसी के साथ में अगर आप भी अपने राज्य के सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य या शहर का नाम जरूर लिखें। और इसी के साथ में रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानने के लिए गोल्डन बेस से जुड़े रहे। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।